करने वाले हैं एक ऐसे ऑयल के बारे में जो मैंने पर्सनली अपने हेयर केयर में भी ऐड कर रखा है. एंड दिस ऑयल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑयल्स. तो मैं आज आप लोगों को उन तीनों ऑयल्स के बेनिफिट्स भी बताऊंगी, क्या आपके हेयर्स पे या फिर क्या आपके स्कैल्प पे उनके बेनिफिट्स होते हैं. एंड हम उसका प्रिपरेशन का मेथड भी डिस्कस करेंगे. एंड अगर आप उसको किसी और मेथड से बनाते हैं तो उससे उस ऑयल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. ऑल्सो गाइज, इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज एंड में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जो मैं पर्सनली डेली बेसिस पे अपने नाइट टाइम रूटीन में मैंने ऐड कर रखी है अबाउट माई हेयर्स, एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट ऑयलिंग. सो आई गेस विदाउट फर्दर एडू वी शुड जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो दैट वी गेट द इनसाइट्स अबाउट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स. हमारे हेयर फॉल्स के रीजन क्या हो सकते हैं? हमारे हेयर्स जो हैं वो पूरा दिन ना बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल करते हैं, दैट मे बी एनवायरमेंटल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स. सो अगर हम बात करें, सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है? पॉल्यूशन. सेकेंड, हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वो वाटर क्वालिटी क्या है, जहां पे हम रह रहे हैं वहां की वाटर क्वालिटी क्या है. एंड देन कमिंग टू द हीटिंग प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग लाइक ब्लो ड्राइंग. अगर आप एक्सेस ऑफ ब्लो ड्राइंग कर रहे हैं उससे भी आपके बाल जो हैं वो ड्राई एंड ब्रिटल होके टूटना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस शुरू हो जाता है. एंड हेयर लॉस इज रियली स्केयरी गाइज. नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रेटनिंग डेली बेसिस पे या बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं उससे भी हमारे हेयर्स इफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट चीज है, अगर हम कर्लिंग आयरन यूज कर रहे हैं वो भी हीटिंग प्रोडक्ट्स में ही आया ऑब्वियसली. अगर हम कोई ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बहुत ही लंबे टाइम से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं उससे भी इफेक्ट हमारे हेयर्स पे बहुत ज्यादा बुरे पड़ते हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ओवर शैम्पू कर रहे हैं ना, ओवर शैम्पू हम क्यों करेंगे? अगर हम ऑयलिंग कर रहे हैं और ऑयलिंग हम एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना अमाउंट नहीं करके सिर्फ थोपा थापी करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं. सो उसके लिए क्या होता है कि हमें 2-3 टाइम्स शैम्पू करना पड़ता है सो दैट हम अपने हेयर से वो एक्सेस ऑयल रिमूव कर सकें. अब ओवर शैम्पू तो हमने कर लिया, वो एक्सेस ऑयल तो रिमूव हुआ, लेकिन जो नेचुरल ऑयल हमारे हेयर्स का था ना वो भी साथ के साथ गया. सो इसीलिए ओवर शैम्पू करने से भी हमारे हेयर्स जो हैं वो ड्राई ब्रिटल होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. सो ये है रीजन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है. नाउ कमिंग टू द इंटरनल फैक्टर्स, थायराइड मे बी द रीजन. जिन लोगों को हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम होती है सो उन लोगों को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर होती है. अगर आपके 100-150 स्ट्रैंड्स के अराउंड डेली गिर रहे हैं सो दैट इज नॉर्मल, वो उतना नॉर्मल में कंसिडर किया जा सकता है. लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल है, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए और पता करने की कोशिश जरूर कीजिए कि हेयर फॉल का रीजन कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो होती है उनके रिएक्शन भी होते हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल्स या स्किन रिलेटेड कुछ एलर्जीज होती हैं. सो एक बार ये पता करने की जरूर कोशिश कीजिए. इनकेस अगर आपका हेयर फॉल सीवियर नहीं है तो आप जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताते हैं उनसे आप लोग यूज कीजिए एंड आपको हेयर फॉल कंट्रोल करने में जरूर जरूर हेल्प मिलेगी. ऑयल्स के बारे में, जिनको कंबाइन करके हम लोग एक मिश्र बनाएंगे जिसे हम अपने हेयर केयर में ऐड करेंगे. So the first oil is olive oil. So I am using Good Vibes oil and I also use Fiagroca olive oil. This is affordable. अगर आप लोग अपने daily hair care and skin care में add करना चाहते हैं तो this oil is really good. आप लोग use कर सकते हैं. You can see the quantity already खत्म होने वाला है. So इसके benefits पे आते हैं. Moisturize करता है आपके scalp को, dandruff को fight करने में help करता है. कोई bacterias हैं, infections हैं उनको फाइट करने में हेल्प करता है. आपके हेयर स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथन करता है, रूट्स को स्ट्रॉन्गर करता है. एंड अगर आपके हेयर्स में कोई ड्राइनेस है या कोई रफ एंड्स हैं उनको रिमूव करता है. सो ऑलिव ऑयल को आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं एंड अगर आप इसको एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं. अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट ऑयल के बारे में, सो दैट इज कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल आई एम यूजिंग हेयर फ्रॉम ब्लॉसम कॉचर का, अरोमा मैजिक का. सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को सूट करता है ब्रांड आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑयल, कंट्रोल करता है अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है सो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है. देन आपके हेयर्स को थिकनेस प्रोवाइड करता है, एक वॉल्यूम देता है, बिकॉज हेयर
हेयरफॉल कंट्रोल करेगा एंड रीग्रोथ ऑफ हेयर्स में हेल्प करेगा. सो ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही होगा. डैंड्रफ को फाइट करता है एंड इसमें एक रिनोलिक एसिड होता है कैस्ट्रो ऑयल में जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. सो आप लोगों के रूट्स भी हेल्दी होंगे. अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो उसकी वजह से आप लोगों की हेयर ग्रोथ भी एनहांस होगी ऑटोमेटिकली. कमिंग टू द लास्ट वन इज कोकोनट ऑयल. सो कोकोनट ऑयल दिस इज फ्रॉम पैराशूट. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई स्किन केयर रूटीन दैट आई ओनली यूज पैराशूट का कोकोनट ऑयल बिकॉज दिस आई एम यूजिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स एंड मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं समझ में आया है जो मेरी स्किन पे या मेरे हेयर्स पे हुआ हो. सो आई यूज दिस पैराशूट. आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं अगर आपको जो भी सूटेबल लगता है आप ले सकते हैं. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ. एंड कोकोनट ऑयल हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, डैंड्रफ्स को फाइट करता है, बैक्टीरियाज को फाइट करता है, आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज करता है, हेयर लॉस को स्लो डाउन करता है. अगर एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है तो कुछ टाइम तक रेगुलरली अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो आपके हेयर फॉल जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स जितने भी आपके गिर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं. एक लश्चर प्रोवाइड करता है आपके हेयर्स को, सॉफ्ट करता है हेयर्स को एंड स्प्लिट एंड्स को फाइट करता है, रिमूव करता है स्प्लिट एंड्स को. सो ये थे बेनिफिट्स, जो भी हमारे बेनिफिट्स हमें इन तीनों ऑयल्स के थे. नाउ आप इन तीनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं. लाइक अगर आपको कोकोनट ऑयल ही यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. तीनों ही ऑयल्स जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव कर रहे हैं एंड हमारे रूट्स को भी नरिश कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि अगर हम तीनों को ही मिलाएंगे तो ही हमें बेनिफिट मिलेगा. अगर आप इंडिविजुअल अलग अलग भी यूज करेंगे तो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. बट यस देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सिर्फ एक एक में है. जैसे कैस्टर ऑयल इज थिकनिंग योर हेयर्स, दिस इज फाइटिंग अगेंस्ट द बैक्टीरियाज एंड इन्फेक्शंस एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर यू नो मेकिंग योर स्ट्रैंड्स स्ट्रॉन्गर. वाइल कोकोनट ऑयल इज softening your hairs and giving that luster to your hair. So तीनों को अगर हम combine कर रहे हैं तो हमें वो additional effects जो benefits हैं वो सब मिल रहे हैं अपने hairs पे. So ये तीन वो combination, तीन हैं वो oils जो मैंने इसमें use किए हैं, castor oil, olive oil and coconut oil. करते हैं. So हमें इसमें कितनी quantity लेनी है, कितना क्या लेना है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी. And उस oil को हम prepare कैसे करेंगे ये भी method मैं आप लोगों के साथ अभी discuss करूंगी. So let's just get directly to the preparation method of this oil. Prepare करेंगे and उसके बाद ये एक बाउल है जिसमें मैंने पानी ले रखा है. इस पे हम उसकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे. नाउ हमें करना क्या है, हमें हमने पहले लिया है ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल के हम लोग 2 tablespoons लेंगे एंड हम लोग इसमें बाउल में डाल देंगे. एंड सिमिलरली हम लोग 2 tablespoons ही कैस्टर ऑयल के लेके उसको मिक्स करेंगे कोकोनट ऑयल के साथ. आप जितना भी ऑयल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी मैटर करेगी. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है कैस्टर ऑयल की, इसीलिए आपको इसको डबल हीट मैथड से हीट करना पड़ता है एंड उसके बाद ये मिक्स होता है कोकोनट ऑयल में. ऑल्सो ऑलिव ऑयल की कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा थिक होती है जिसकी वजह से कि आप लोगों को इसको मिक्स करना पड़ता है. एंड इस तरह से हम लोग ये प्रिपेयर कर रहे हैं ऑयल. आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कितनी थिक है इसकी. हम लोग इसको प्रिपेयर करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर हम लोग किसी और मेथड से इसको प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या है ऐसा जिसकी वजह से कि हम लोग डबल हीट मेथड ही यूज कर रहे हैं. ऐसा हमें माइक्रो में इसे क्यों नहीं प्रिपेयर करना चाहिए. सो ये है हमारा कोकोनट ऑयल. इस तरीके से हम कोकोनट ऑयल ले लेंगे. जितना भी हमने बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम कोकोनट ऑयल ले लेंगे. ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी रादर देन जो ऑलिव ऑयल और हमारा कैस्टर ऑयल है. अभी मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ ओनली. सो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा ही बना रही हूँ. अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिकॉज इनकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट है. एंड देन आपको इसको गर्म पानी के बाउल में प्लेस करना है. एंड प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपके बाउल में पानी नहीं जाना चाहिए. मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म किया है जिसकी वजह से ये बाउल के यहाँ यहाँ तक आ रहा है. तो आपके बाउल में पानी नहीं जाना चाहिए. नाउ जब आप डबल हीट मेथड से इसको गर्म कर रहे हैं
सो जो कंसिस्टेंसी थिक है कैस्टर ऑयल की एंड ऑलिव ऑयल की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, पतली होके वो कोकोनट ऑयल में मिक्स हो जाएगी। एक तरीका ये है इसको बनाने का। दूसरा ये है कि आप सेम क्वांटिटी लीजिए, एक आप बॉटल लीजिए, उसमें ये मिक्सचर को बना के रख दीजिए एंड 5 to 6 days के लिए आप सनलाइट में उस मिक्सचर को रखिए। उससे भी वो आपस में अच्छे से जेल अप हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम माइक्रो कर सकते हैं। माइक्रोवेव में अगर हम इसको हीट करते हैं सो माइक्रोवेव में हीट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ऑलिव ऑयल में या फिर हमारे कैस्टर ऑयल में या कोकोनट ऑयल में, वो हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उससे। सो इट्स बेटर कि हम या तो डबल हीट मेथड यूज करें या फिर हम लोग जो है सनलाइट में इसको बनाएं। नाउ आप लोग, अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊं, क्योंकि आप देखिए ये ऑलरेडी कितने अच्छे से मिक्स हो गया एंड कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अभी भी इसमें। देखिए आप नीचे सेटल डाउन आप लोगों को दिखेगा, कलर बिल्कुल अलग नीचे दिखे, येलो येलो आपको नीचे दिख रहा है बिकॉज अभी तक ये मिक्स नहीं हुआ है। सो थोड़ा सा टाइम इसको आप गर्म पानी में रहने दीजिए। ये एक इमीडिएट प्रोसेस है, सनलाइट वाला 5 to 6 days रहेगा बनने में। सो आप इस मेथड से बना सकते हैं। ये था वीडियो मेरा, जो ऑयल मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स बना रखा है सो दैट कि मुझे सभी ऑयल्स का बेनिफिट मिले। आप लोग भी अगर इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को इसको बनाइए ऑयल को, एंड आप लोगों को क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं मुझे प्लीज यूज करके बताइएगा। हफ्ते में बेनिफिट्स नहीं आने वाले हैं, हाँ, तो प्लीज मुझे वीडियोस के कमेंट करके मत बोलने लग जाना कि आपने क्या बता दिया, कोई बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं। वेट फॉर अ वाइल, 1 month 2 months, उसमें आपको बेनिफिट्स जरूर दिखाई देंगे। एंड आप इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, ग्रोथ एनहांस करेगा आपके हेयर्स की एंड बेनिफिट ही देगा ऑब्वियसली। उसके बाद जब आप ये चारों चीजें मिक्स कर लें तो डबल हीट मेथड या फिर सनलाइट का जो मैंने आपको मेथड बताया उस तरीके से इसको प्रिपेयर करें एंड यूज कर लें। नाउ कमिंग टू द लास्ट, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि लास्ट में जरूर देखेगा, आई विल गिव यू अ टिप। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब भी आप रात को सोने जा रहे हैं, आपका ब्यूटी रूटीन, जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है वो जब आपने कंप्लीट कर लिया है तो 5 minutes अपने हेयर्स को दीजिए एंड जस्ट मसाज योर स्कैल्प लाइक दैट। इस तरीके से अपने पूरे स्कैल्प को आपको मसाज करना है एंड जैसे लाइक दिस, इस तरीके से अपने स्कैल्प को हल्का हल्का मसाज कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से। यू हैव टू मसाज योर स्कैल्प। जब आप मसाज करते हैं अपने स्कैल्प को तो उससे होगा क्या, आपके जो स्कैल्प है, जो आपका रूट्स हैं, उनको एक मसाज मिलेगी एंड जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। एट दी एंड ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होता है तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, आपके हेयर्स की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, जो आपके डेड एंड ड्राई एंड रफ एंड्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। ऑयलिंग वीक में सिर्फ एक बार करिए, एक्सेस ऑयल करेंगे तो ओवर शैम्पू करना पड़ेगा जिसकी वजह से हेयर लॉस का प्रॉब्लम अगेन होगा। शैम्पू इज नथिंग बट केमिकल्स बिकॉज हर कोई जो है वो केमिकल फ्री शैम्पू अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली रेंज में आते हैं। सो आप ऑयलिंग बिल्कुल बंद मत कीजिए, वीक में एक बार जरूर कीजिए एंड यू हैव टू मसाज योर स्कैल्प लाइक दैट वंस, मतलब 5 मिनट के लिए डेली रात को अगर आप ये चीज कर रहे हैं आपको कुछ ही टाइम में बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एक तो आपके हेयर्स जो है वो हेल्दी होंगे, दूसरा कि आपको एक साउंड स्लीप मिलेगी बिकॉज आपका स्कैल्प मसाज होगा तो आप रिलैक्स फील करेंगे। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो प्लीज बताना भी लाइक करके एंड शेयर करके वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।